चलो हाँ दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। मेरे पास एक सैमसंग का S20 फोन है। फिलहाल रीस्टार्ट इशू में है और फोन डेड आया था, अभी तो ऑन हो गया पर रीस्टार्ट है, तो कोई नहीं है, सिर्फ लेयर को रिबॉल करना है। हमने अभी इसको जो और हमने जो इसकी रिबॉलिंग किट है वो हमने ऑर्डर की है, बहुत जल्दी हमारे को मिल जाएगी। तो कल हमारे को जैसे मिलेगी तो उसको रिबॉल करके लगाना है। अगर नहीं होता है तो फिर हम CPU पे जाएंगे दूसरी बार, क्योंकि ये वाटर डैमेज सेट है और उसमें CPU के पास ज़्यादा मॉइस्चराइजर हमें दिखाई दे रहा है। अभी हम इसका थोड़ा डिटेलिंग देते हैं। सैमसंग S20 है और हम इसकी बात करेंगे तो इसकी थोड़ी ICO की डिटेलिंग मैं आपको देता हूँ। भाई दिखाइए यहाँ पर। चलिए, तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि इस तरह का कुछ बोर्ड है इसमें यहाँ पर। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं, जूम करो यहाँ पर, तो इस तरह का कुछ बोर्ड है, ठीक है यहाँ पर, ओके। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं इस तरह का कुछ बोर्ड है। तो इस बोर्ड में सबसे पहले हम देखें, दो बोर्ड हमारे पास है। सो अभी जैसे आईफोन में आते थे ना ऐसे, आप देखो ये डुअल लेयर के, तो आप अभी आप देखो तो अब आपको सैमसंग में भी ये देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इस बोर्ड की थोड़ी सी डिटेलिंग आपको करते हैं। इस बोर्ड में आप देख सकते हैं कि ये जो IC है ये आपका UFS लगा हुआ है। यहाँ पे 128 GB का UFS है। ये आपका मेन CPU है, मतलब इसको हम चार्जिंग, हम इसको CPU बुलाते हैं, सॉरी, ये हमारा मेन CPU IC है। ये आपकी सैंडविच है, ऊपर रैम लगी है, नीचे आपका CPU है जाइनॉक्स का। यहाँ पर आप देख सकते हैं तो एक हमारा यहाँ पर CPIC लगी है, ये हमारा एक तरह से ये भी CPU है, बट हम इसको अपना बेसमेंट CPU बोल सकते हैं या फिर RF CPU बोल सकते हैं, तो एक RF है। दूसरी बात है, इसका एक पावर भी लगा होता है दोस्तों, जो इसके जस्ट पीछे है, आप ये देख सकते हैं, तो इसको CPU पावर बोलते हैं। इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये जो दो IC आपको ऊपर दिखाई दे रही है, ये IC DRX IC है, इनको लो बैंड मिड बैंड DRX यहाँ पे IC लगी हुई है। ये जो छोटी सी IC आपको दिखाई दे रही है यहाँ पर, ये IC आपकी बेसिकली कैमरा LDO IC है, कैमरा एक IC है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो बड़ी IC दिखाई दे रही है, ये आपकी चार्जिंग PMIC है, तो इसको हम सब PMIC भी बुला सकते हैं। ये जो IC आपको दिखाई दे रही है ये आपकी रिसीवर IC है। ये जो IC आपको दिखाई दे रही है ये कैमरा की OBP सर्किट आप मान सकते हैं, बट कैमरा बोल रहा हूँ, सॉरी, चार्जिंग का OBP सर्किट मान सकते हैं, बट चार्जिंग IC रिलेट करती है, सो इसको हम दो चार्जिंग IC में बोल सकते हैं, फास्ट चार्जिंग IC भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये दो IC में से एक IC एक आपकी वाइब्रेटर IC है। अब जैसे यहाँ पर थोड़ी हसी टूटी है ना, तो इसको निकाल के भी हम सेट को चला सकते हैं, और जब हमारे पास रिप्लेसमेंट होगा तो हम लगा देंगे। और ये IC जो दोस्तों, अगर ये निकल गई तो सेट पूरा रेडी हो जाएगा, क्योंकि ये UFS बूस्टर IC है, इसी के वजह से UFS चलता है, ठीक है। अब इस बोर्ड की पूरी IC हो गई, आइए अब इसके पीछे चलते हैं। अब इस वीडियो को पूरा देखिएगा और लाइक जरूर कर देना, क्योंकि कम टाइम में इतना नॉलेज आपको हम दे रहे हैं, और हमारे फेसबुक को फॉलो करना और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, ठीक है, और बेल आइकन बजा देना और बेल आइकन का घंटा दबा देना ताकि आपको वीडियो मिलते रहें। अब देखो, ये IC आपकी वाईफाई मॉड्यूलेटर है। यहाँ पर आप देखो तो ये गोल्डन कलर के जो प्रिंट है ना, ये आपके 5G के आपके PA का है, बड़ी NC है। यहीं पे आपको देखो नीचे भी गोल्डन कलर के पिन है ना, तो इन्होंने क्या किया, 5G के थोड़ा सर्किट को हटा दिया है। यहाँ पर 5G की मॉड्यूलेटर IC लगी होती है, APT वाली, वो भी हटी हुई है। अच्छा, इसके अंदर अगर हम बात करें, ये आपकी मेन पावर है, ठीक है। यहाँ पर आप बात करेंगे, ये आपकी कैमरा और प्रॉक्सिमिटी सेंसर, ये सब सेंसर IC है। यहाँ हम बात करेंगे, ये एक डिस्प्ले डिटेक्शन IC है, एक LDO की तरह मान लो। इसकी बात करेंगे तो CPU पावर है। इसकी बात करेंगे तो दो मॉड्यूलेटर है, APT, तो यहाँ पर ET मॉड्यूलेटर बोलते हैं इनको, और एक 3G का, एक 4G का है। अगर इसकी बात करेंगे तो ये एक AMOLED सर्किट है आपका। यहाँ बात करेंगे तो एक रिंगर IC है, और इसकी बात करेंगे तो ये कोर पावर है आपका, ठीक है, जो CPU को चालू करता है। और ये भी आपकी एक DRX IC है यहाँ पर, ये आपका अपर माइक लगा हुआ है, कुछ इस तरह का कनेक्शन है। तो ये बोर्ड आपका कंप्लीट हो गया। अब हम जाते हैं इस बोर्ड में। तो इस बोर्ड में पीछे आपका ये सारे लेयर्स बने हुए हैं आपके, इसमें से बहुत सारे ग्राउंड है पर बहुत सारे काम के हैं। अब हम बात करते हैं इस छोटे से बोर्ड में क्या क्या IC दी हुई है। तो ये आपका ट्रांस रिसीवर है, ये आपकी दो PFO लगी हुई है, इसमें से एक लो बैंड PFO है, ये सब PFO है, LA PFO बोल सकते हैं इसको आप, ये आपको GSM PA बुलाते हैं इस IC को। यहाँ पर आप देखो तो एक छोटी सी IC नीचे लगी है ना यहाँ पर, ये आपकी हॉल सेंसर IC है। इसके बगल में ये जो IC लगी है ये आपकी USB DPDM स्विचिंग IC है। इसके बगल में जो IC लगी हुई है आपकी
तो ये आपकी हम ओबीपी है, इसको चार्जिंग ओबीपी बोलते हैं, इसको हम बाईपास कर सकते हैं। इसके बगल में ये जो लंबी सी आईसी दिख रही है ये आपकी वायरलेस चार्जिंग आईसी है। इसके ऊपर जो आईसी लगी है ये एनएफसी सर्किट है आपका, और ई सिम आप कनेक्शन कह सकते हैं। इसके ऊपर सेंसर है, तो एक एसी सेंसर है और एक बैरोमीटर सेंसर है। तो कुछ इस तरह का सर्किट आपको सैमसंग में मिलने वाला है। तो दोस्तों ये जो सैमसंग के सर्किट होते हैं, अगर एडवांस अगर आप एंड्रॉयड का काम कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि आपको इस पर जल्दी स्विच हो जाना चाहिए और इसका भी नॉलेज लेना चाहिए, क्योंकि धीरे धीरे ही आपका नॉलेज अपग्रेड होगा। और एसर टेलीकॉम को ज्वाइन कीजिए, फेसबुक में डेली लाइव देखिए, हमारे मेन चैनल एसर टेलीकॉम में जाओ, यूट्यूब में वहाँ डेली लाइव देखो, पूरी क्लासेस लाइव देखो हमारी, और हमको जज मत करो एक वीडियो से, हमारे लाइव देखो और खुद पता चल जाएगा कि कितना दम है। चलो मिलते हैं, और जिनको भी डीएसओ की ट्रेनिंग चाहिए तो डीएसओ के नीचे लिंक दी है, तो कंप्लीट यूटीडी और रिकलो, या मैं तो आपसे कहूंगा कि ये ना लेकर आईफोन का पूरा मास्टर कोर्स लेना, क्योंकि वो भी 20% डिस्काउंट में है और वो आपको 8,000 में मिल जाएगा, जिसमें ये दोनों ट्रेनिंग भी इंक्लूडेड है। सो आईफोन 6 में जो गजब का नॉलेज दिया ना, बेहतरीन मजा आ जाएगा आपको। क्या आप टीचर से पूछ लोगे भाई ये क्या होता है, सवाल पूछ लोगे आप। चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अरे कुछ को